हमारा जो है, और मैं किंग्स इंस्टीट्यूट में बतौर एनाटॉमी प्रैक्टिकल टीचर्स अपनी सर्विसेज जो है ना वो अंजाम दे रहा हूँ। आज जो है ना मैं आपको हमारा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको एनाटॉमी प्रैक्टिकल की सेशन जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारा प्रैक्टिकल डे फर्स्ट है, तो हम प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो लैब प्रोटोकॉल के हवाले से है। लैब प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि हम लैब्स में आएंगे, हम लेबॉरेटरी में आएंगे, तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो लैब प्रोटोकॉल में पहले आता है कि हम जब लेबॉरेटरी आए तो इससे पहले हम खाना पीना वगैरह बाहर से करके लेबॉरेटरी में आए। लेबॉरेटरी में हमने कोई खाना वगैरह पीना नहीं करना, हमने ना लूज क्लॉथ ज्वेलरी वगैरह जो वगैरह जो चीज़ें वो हमने बाहर छोड़ ली। उसके बाद हमने ना लोकेट करनी है, जो हमारे साथ फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमने लोकेट करनी है। हमारे पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए लेबॉरेटरी में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना हमारे साथ हम जो काम भी करेंगे लैब में, जो टेस्ट करेंगे, जो केमिकल टेस्ट करेंगे, स्मेल, तो ऐसे हम केमिकल वगैरह स्मेल नहीं करेंगे, उनको हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हाथ लगाएंगे तो हमने प्रॉपर जो है ना ग्लव्स जो है ना वो वेयर करने होंगे। इसके बाद हम लैब कोट जिस तरह मैंने पहना हुआ है लैब कोट्स हम पहनेंगे। उसके आपको पता है प्रैक्टिकल में मार्क्स भी है लैब कोट्स के, तो हमने प्रॉपर जो है ना लैब में आना है तो लैब कोट के साथ आना है। हमने शील्ड वगैरह आंखों के लिए शील्ड यूज़ करना है और ग्लासेस यूज़ करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमने ना किसी चीज़ को पॉइजन को हाथ नहीं लगाना, ना मुँह लगाना है, ना हमने किसी चीज़ को जो है ना स्मेल करना है। हमारा प्रैक्टिकल जो है ना जब ख़त्म हो जाए, प्रैक्टिकल सेशन ख़त्म हो जाए, प्रैक्टिकल सेशन के अपने हावर्स होते हैं। अच्छा, जो हम नेक्स्ट जो हमारा लैब प्रोटोकॉल है, जब हम लैब में आएंगे तो अपने हाथों को जो है ना प्रॉपर सैनिटाइज से या सॉप से वॉश करेंगे, और जब हम वापस जाएंगे भी यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हो जाएगी तो फिर हम वापस जाएंगे तो फिर भी हम अपने हाथ वगैरह जो है ना वो साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कोई चीज़ टेस्ट नहीं करनी अपनी भी हाथों से, या स्मेल नहीं करनी किसी चीज़ को, एनी सॉल्वेंट, वी विल नॉट टच एनी सॉल्वेंट, एनी केमिकल, एनी पॉइजन। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट लैब प्रोटोकॉल है वो ये है कि हम जब लैब आएंगे, मीन एनाटॉमी या जो भी फार्मास्यूटिकल यूसी लैब आएंगे, तो हम यहाँ पे पहले अपने हाथों को वॉश करेंगे, प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे सोप से, और फिर उसके बाद हम जब अपना केमिकल जो हमारा परफॉर्मेंस हो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने हाथों को वॉश करके यहाँ से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लैब प्रोटोकॉल है वो ये है कि हमने कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना, स्मेल नहीं करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को टच नहीं करना, मीन किसी पॉइजन को स्मेल नहीं करना, किसी चीज़ को मीन अपने ज़ुबान पे नहीं लगाना, ठीक है, एनी केमिकल। और अगर हमने किसी चीज़ को किसी केमिकल को उठाया तो हम तरीका ये है कि वापस उसी जगह पे उसको रख दें। ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लासेस व्हेन वर्किंग विद डेंजरस केमिकल। हमने अगर किसी डेंजरस केमिकल, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, वो एक स्ट्रांग एसिड है, उसको हमने अगर टच करना है तो इससे पहले कि हम वो टच करें उससे पहले हमने अपने गूगल्स वगैरह भी जो चश्मे वगैरह होती है वो लगानी है, प्रॉपर शीट लगाने हैं, ग्लव्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। हमने अगर हमसे कोई चीज़ गिर जाए, केमिकल वगैरह गिर जाए नीचे, तो हमने उसको साफ करके यहाँ से जाना है, ठीक है। और अगर हमसे कोई चीज़ गिर जाए और वो हमें ढूंढने में मुश्किल हो जाए तो हमारा जो लैब कंस्ट्रक्टर है उसे हम मदद ले सकते हैं। तो ये हमारे लैब प्रोटोकॉल में आते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लैब प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है, मीन आपको क्या करना है लैब में, आपको लैब के हावर्स इतने होते हैं, आपने किसी चीज़ को अगर टच किया तो क्या करोगे, H2SO4 अगर आपने टच करना है तो ग्लव्स पहनोगे या नहीं पहनोगे, तो ये लैब प्रोटोकॉल में सारे आते हैं। थैंक यू, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था लैब प्रोटोकॉल।